इसके अंदर आपने जो एग्रीगेट का जो उसमें पढ़ा हुआ था, हमारे पास में एक चीज़ थी कि जो शेप था जिसके लिए एंगुलरिटी नंबर वाला था, उसके लिए परसेंटेज कितनी थी? 44 रहा, ठीक है, और 11 की वैल्यू थी उसमें, लेकिन उसके लिए जीरो जो रखा गया था वो 33 पे था। उसमें पार्टिकल कौन सा थे? राउंड एक भी नहीं है ना, तो समझ में आ गया वो थ्योरी वाला था, वो थ्योरी का था, प्रैक्टिकली में ऐसे होंगे। अब इसके बेसिस पे वो वैल्यू की रेंज क्या थी? 0 से 11 याद हो गया ना, आपको कन्फर्म करा था कि सही से याद आएगी, ठीक है। अब उसमें भी आपने दो तरह के पार्टिकल पढ़े थे, एक था एलोंगेटेड और दूसरा था रेक्टी वाले। अब जब इसमें देखोगे ये एक ऐसा पार्टिकल है, इससे तो रेक्टी बोले अपन तो सीधा सिंपल एग्रीगेट तो है, लेकिन इसको बोलने के लिए सीधा सिंपल से रेक्टी के टर्म्स में ऐसा होगा, सबसे बढ़िया सबसे अच्छी क्वालिटी का ये रह जाएगा। अब अगर हम लोग उसके अंदर ये रखें ये एलोंगेटेड में आएगा या ब्रेकी में आएगा? ये एलोंगेटेड लेकिन लेंथ ज़्यादा है, 1.8 टाइम्स से उसमें लेके आओगे ना, तो ये आपको एलोंगेशन के अंदर मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो वहाँ के तौर पर ये हमारे पास ब्रेकी में आएगा, ब्रेक भी हमारे पास सब नहीं होगा, ठीक है। तो ये ब्रेकी में आ गया, ये एलोंगेट में आ गया। अब जो आपके पड़े हुए हैं आप सीधा सिंपल सा बाकी चीज़ें छोड़ो और अभी रह गया। अब इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं ये दो है और ये दो, दोनों में से स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ हम कौन है? बड़ी बात है। अब इसके लिए कौन बड़ी बात है, कोई बता देगा? ऐसा थोड़ी ना कि इसके लिए पढ़ के आओगे तो ही बताएंगे। पढ़ने वाला पॉइंट क्या है वो पूछता हूँ, जब हमने एलोंगेटेड वाला इंडेक्स जब कैलकुलेट किया था तो उसमें एवरेज वैल्यू का कितने टाइम से मैच किया था? 1.8 या 0.6? अरे नहीं, 0.6 था, 1.8 सही है, मतलब याद है, ठीक है। और दूसरा क्या था, 0.6 था ना, 0.6 था, अच्छा फिर सही याद है। मैं तो चेक कर रहा था कि सही से याद है नहीं, पता चले आज के भूल जाओ सब। चलो यही था, इसके अंदर दो इंडेक्स है जिसको इसमें चेक करता है। आई होप ये दोनों ही तैयार है, फील्ड में कैसे होंगे क्या होंगे उनको, राइट।